और स्वागत है एग्री इनपुट शॉप यूट्यूब चैनल पर। तो एप्लीकेशन में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमारी बंद गोभी की हम नर्सरी बोने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से बोते हैं और कैसे हम इसको खेत को तैयार करते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप लोग बो सकते हैं और ये देख सकते हो ये बीज है जो कि हाइब्रिड है और कौन सी कंपनी का है और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है नर्सरी और कौन कौन ज़मीन में भी इसको लगा सकते हैं और कितने दिन में ये हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती संबंधित ही वीडियो आते हैं और आते ही रहेंगे। तो प्रियकथन में हम देख सकते हो ये आप लोग, ये इस कंपनी का है जो इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि F1 हाइब्रिड वैरायटी है। वैरायटी का नाम है इंडम 296, ये वैरायटी का नाम है। और ये आप इसको लगाने की विधि, जैसे कि आप अगर बोने जा रहे हैं इसको, तो सबसे पहले आप इसमें ज़मीन को समतल कीजिए। समतल करने के बाद इसमें जो कि फिप्रोनिल है 0.3%, जो कि इंसेक्टीसाइड है। और इंसेक्टीसाइड क्यों डालते हैं, जो कि हमारे जो इसमें जो कि दीमक वगैरह होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। और उसके लिए हमने जो पौध अमृत गारा है दयाल कंपनी का, उसको हमने डाला है। इसको डालने के बाद, समतल करने के बाद आप लोग देख सकते हो, और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें। अगर आप DAP वगैरह डाल सकते हो तो हल्का DAP भी डाल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद, समतल करने के बाद आप इस तरह रो बाई रो बना लीजिए। रो बाई रो बनाने के बाद उसके बाद इस तरह आप लोग बीज को डाल दीजिए हाथों से, चुटकियों से, आराम आराम से। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से डाला जा रहा है, इस प्रकार से आप लोग डाल सकते हैं। और इसका जो कि नर्सरी तैयार हो जाती है पूर्ण रूप से 30 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और इसकी फल की बात करते हैं, फल एक फल कितने वजन का होता है, लगभग 1 से 1.5 किलो का फल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, लगभग 65 से 70 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आप रोपने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 65 से 70 दिन में। तो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से ये बोया जा रहा है। उसके बाद इसको इस प्रकार से दबा देंगे। इस प्रकार से दबाने के बाद आप इसको जो कि हजारा होता है उसको हल्का हल्का पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद आप इसे पीली पन्नी से झोपड़ी बनाकर ढक लेंगे। ढकने के क्या लाभ होते हैं, जो कि अंकुरण अच्छा होता है। बात करते हैं अंकुरण कितना होता है, लगभग 90% इसका अंकुरण देखने को मिलेगा बीज अंकुरण। और बीज दर की बात करते हैं, बीज दर तो प्रियकिशन भाई बात करते हैं बीज दर कितना डालें प्रति एकड़ में। अगर आप लोग बीज दर डालना चाह रहे हो तो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज दर लगा सकते हैं। और इसकी जर्मिनेशन की बात करते हैं, जर्मिनेशन लगभग 90% इसको में देखने को मिलेगा। तो प्रियकिशन भाई जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।